एजुकेशन और वर्कफोर्स दोनों के बीच में तिवारी जी की दायित्व है, स्किल इकोसिस्टम की ब्रिज बनानी पड़ेगी। मैं इसीलिए आज आग्रह करके स्किल मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया, दिस शुड बी ए कोलाबोरेटिव अप्रोच, दिस शुड बी ए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, तब जाके हमें जो हमारी व्हाई वी ऑल आर डूइंग ऑल दिस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, सिंपल टारगेट्स, बाय नेक्स्ट 25 ईयर्स वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, और इकोनॉमी साइज विल रिप्लेस एनीबडी, वी मे बी नन, वी मे नोबडी नोस। आई थिंक the growth trajectory of India will continue to be there for next momentum will be for next two decades. हम 7-8% की growth rate पे जब चलेंगे, पहला आवश्यकता होगा society को skill करना। ये बात सही, आज एक मंचु भाई ने नया दृष्टि दिया है, जो definition है आज western world की, जो definition है workforce की, employment की, job की, इसको तो एक नया दृष्टि दिखना पड़ेगा। हमारे घर में माँ हमारी 24/7 एक वर्कफोर्स है। हम जब कभी कभी हमारे घर के जो लोग विदेश में हैं या विदेश में कभी हम जाते हैं, आप थोड़ा अनुमान करें वहाँ की इस प्रकार की वर्कफोर्स की, आप पूछिए थोड़ा आपकी पे स्केल कितना है, क्या हमारी माँ को हम उतना पैसा देते हैं क्या, क्या हमारी बहन जब हम रात में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, बहन हमारे लिए कॉफी रात को 2 बजे तक लाती है, वो भी तो वर्कफोर्स है। वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको क्वांटिफाई किया जाता है, हम क्वांटिफाई नहीं करते। कई सारे अनुभव हमारी समाज में, हमारी सभ्यता में, वी हैव टू क्रिएट इंडियन बेंचमार्क, टाइम हैज कम, वर्ल्ड बैंक शुड प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड कोट इन द ग्लोबल कम्युनिटी, दिस इज द इंडियन बेंचमार्क, वर्ल्ड हैज टू कम टू द इंडियन बेंचमार्क, एंड वर्ल्ड बैंक शुड आवर पार्टनर ऑन दैट एम्बिशियस जर्नी। I see this report not only as a near assessment of 6 states and 2 districts. Great idea come from a small microscopic think tanks. Today, with full responsibility, I am saying these words. India is destined to change herself. Hamari niyati mein aage jana likha hai, aur isi samay mein likha hai. इसी समय में लिखा है, और इसीलिए आज की जो सारे पुरुषार्थ से दुनिया बनती है, कोई मजबूर, कोई लाचार, कोई गरीब व्यक्ति को दुनिया ने माना ही नहीं। हम कभी बड़े सभ्यता थे, हम किसी की दया के पात्र नहीं थे, लेकिन ये भाव रखने से कुछ नहीं होता है, हम लंबे समय तक गुलामी में भी रहे। इसलिए औद्योगिक क्रांति एक में हमको समझ में ही नहीं आया हो क्या गया दुनिया में, 2 में हम मजदूर बने, 3 में हम सुपरवाइजर बने, 4 में हमको लीड करने का मौका मिला। इसकी मूल शर्त हाउ स्किल वी आर, ये कब इनकी इस जर्मिनेशन कब होगा, स्कूल से होगा। अभी मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं नहीं, संजय जी से संजय जी का वार्ड में से सुनता हूँ, मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। उन्होंने एक हिंदी में पुराने स्कूल डेज की गाना को सुनाया, तो मैं देखा उसमें से अभी भी आप एक शब्द में पूरा राइम बन जाता है। जर्मिनेशन कब शुरू हुई हमारी स्कूल डेज में, मित्रों हमें एक नया वर्ल्ड, वी हैव टू क्रिएट ए न्यू ऑर्डर। आई एम कॉन्फिडेंट Today's report is going to ignite that new orders in Virginia. Thank you, friends. Especially congratulations to my dear friend Auguste. You are a little bit assuring us. Whenever we come to any department, skill or education, come out with a pan-Indian skill. Don't come to us with a limited edition of any of your ideas. We are thankful to you. And मैं बहुत बधाई देता हूँ आप सभी को जिन्होंने एक नया विचार प्रवाह को शुरुआत करने में, आज की रिपोर्ट के माध्यम से जो नया आइडिया थॉट प्रोसेस सभी देश में हमें आगे ले जानी है। प्रधानमंत्री जी की जो विजन है भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने, भारत दुनिया की ग्रोथ इंजन बनेगी, हम एक इंडियन ऑर्डर बनाने, ये सभी के लिए आप साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।